आगे बढ़ते हैं। पुरानी कहावत है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। आज इसी बात को साबित करने वाली दो खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली खबर है ट्रेन में मुरादाबाद के एक मुस्लिम कारोबारी की पिटाई की खबर। आरोप लगाया गया कि मुस्लिम कारोबारी की ट्रेन में जय श्री राम के नारे नहीं लगाने की वजह से बेल्ट से पिटाई हुई। इस खबर पर मुसलमान नेता या उनके रहनुमा भड़काऊ बयान दे चुके हैं। इस खबर पर जबरदस्त आक्रोश है। और दूसरी खबर है कि दिल्ली में एक हिंदू की टुकड़े टुकड़े करके हत्या। ये दो खबरें इस वक्त आपके सामने। जय श्री राम पर आसिम की फेक न्यूज फैक्ट्री, यह आरोप लगाया गया कि जय श्री राम बुलवाने की वजह से इसको पीटा गया, यह आरोप है। आगे आपको खबर दिखाएंगे। और एक दूसरी खबर, एक हिंदू की टुकड़े टुकड़े करके हत्या, ये जिहादी हत्या इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवादी खुश हो सके। हत्या सिर्फ इसलिए ताकि हत्यारे अपनी काबिलियत साबित कर सके। हत्या सिर्फ इसलिए ताकि एक हिंदू को टुकड़े टुकड़े करने की काबिलियत से खुश होकर उन्हें किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या का प्रोजेक्ट मिल जाए। ये खबर कोई बता ही नहीं रहा है। पूरे देश में जबरदस्त सन्नाटा है। एक हिंदू के 8 टुकड़े कर दिए गए। खुद को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले नेता, पार्टियां, समाजसेवी संगठन चुप है, सेकुलर चुप्पी है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाथ में त्रिशूल निशान से हिंदू की पहचान करके टुकड़े टुकड़े करने की खबर पर जबरदस्त सन्नाटा है। आपको दिखाएंगे। इसलिए हम पहले दिल्ली में सर तन से जुदा पार्ट 3 का आतंकी सच आपको बताते हैं। खबर सुनिए। दिल्ली में कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे। इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक का नाम था नौशाद। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार ने नौशाद को भारत में हिंदूवादी नेताओं को मारने का टारगेट दिया था, जबकि दूसरे संदिग्ध आतंकवादी का नाम है जगजीत सिंह। ये दोनों भारत में एंटी हिंदू मिशन पर थे, हिंदूवादी नेताओं को मारने का इनको टारगेट दिया गया था। लेकिन भारत में किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या से पहले दोनों को कहा गया कि वो अपनी काबिलियत साबित करें, ये साबित करके दिखाएं कि वो किसी हिंदू की कितनी क्रूरता से हत्या करते हैं। क्रूरता वाली काबिलियत साबित करने के लिए नौशाद और जगजीत सिंह नाम के संदिग्ध आतंकवादियों ने, यह खबर आप तक पहुंची भी नहीं होगी क्योंकि मरने वाला हिंदू है दरअसल, 14-15 दिसंबर की रात एक हिंदू को 8 टुकड़ों में काट दिया। दोनों ने एक 21 साल के युवक की पहचान की। हाथ में त्रिशूल निशान से युवक को उसका हिंदू होना कंफर्म हुआ। हाथ में त्रिशूल के निशान से उसका हिंदू होना कंफर्म हुआ। उसको बेहोश किया गया, किराए के घर में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और इस जिहादी हत्या का पाकिस्तान में लाइव डेमो दिया गया। अपनी क्रूरता वाली काबिलियत साबित करने के लिए पाकिस्तान में आतंकवादियों को 37 सेकंड का वीडियो डेमो भेजा ताकि उन्हें भारत में और दूसरे बड़े हिंदू नेताओं की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को टारगेट पूरा करने के लिए बिहार और कतर से 6 लाख रुपए आए थे। हैंड ग्रेनेड दिए गए, हथियार दिए गए थे और किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान से संपर्क कर रहे लोगों को ट्रैक कर रही थी, जिसकी वजह से दोनों पकड़े गए। हालांकि एक हिंदू की हत्या कर दी गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन दोनों पकड़े गए। एक सच्ची खबर है लेकिन देश में इस खबर पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। हिंदू पहचान की वजह से टुकड़े टुकड़े करके जान ले ली गई, इस पर जबरदस्त सेकुलर सन्नाटा है। आगे बढ़िए। अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसे सच बताकर देश के 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश हुई। जय श्री राम के नारे को बदनाम करने की कोशिश हुई। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो आप तक पहुंचा होगा और आपको भी यही फेक न्यूज बताई गई होगी कि जय श्री राम का नारा बुलवाने की वजह से और ना बोलने की वजह से इस मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई। जय श्री राम के नारे को बदनाम किया गया। कुछ दिनों पहले यह सोशल मीडिया पर ट्रेन में व्यक्ति की पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। जिस व्यक्ति की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ उसका नाम है आसिम हुसैन। खबर को समझिएगा बहुत आसानी से, आसिम हुसैन उसका नाम है। तो नाम सूट कर गया गैंग को, तो फिर बवाल और जय श्री राम को बदनाम कर दिया। आसिम हुसैन ने आरोप लगाया कि यूपी के मुरादाबाद के पास ट्रेन में उसे मुसलमान होने की वजह से पीटा गया। उसकी बेल्ट से इसलिए पिटाई की गई क्योंकि उसने जय श्री राम के नारे लगाने से इंकार कर दिया। खबर वायरल हो गई।
सच ये है, अब सुनिए सच क्या है। आसिम हुसैन एक छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी है। जय श्री राम वाला एंगल ही नहीं था, वो छेड़खानी कर रहा था, उसे छेड़छाड़ के आरोप में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सोचिए, वीडियो वायरल करा दिया गया, जय श्री राम ना बोलने पर पीटा गया ये कहकर, लेकिन अब खबर आ रही है ये लड़की छेड़ रहा था वहां पर, और उसको अब लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट हो गया वो। लेकिन इसी आसिम हुसैन के झूठ को सच बताकर कुछ मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, जय श्री राम नारे को बदनाम किया। असद ओवैसी ने ट्वीट किया, अब आसिम हुसैन को लेकर ट्वीट किया, आसिम हुसैन ओवैसी साहब गिरफ्तार हो गया आपका ये चहेता। ये आसिम हुसैन लड़की छेड़ रहा था जिसको लेकर आपने ट्वीट किया था, इसको पीटा गया, कपड़े उतरवाए गए, और जेएसआर, इन्होंने जेएसआर लिखा, जय श्री राम, आप जय श्री राम को बदनाम कर रहे थे, ये संस्कृति को बदनाम कर रहा था आपका, आपका ये आसिम हुसैन, इसको अरेस्ट कर लिया। ओवैसी साहब ट्वीट डिलीट कर दीजिए, आसिम हुसैन को अरेस्ट कर लिया है। मुस्लिम नेताओं ने आसिम हुसैन के आरोप पर क्या कुछ कहा, असद ओवैसी ने इस घटना पर ट्वीट करके कहा कि आसिम हुसैन को ट्रेन में पीटा गया, कपड़े उतरवाए गए, जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो देश के मुसलमानों को भड़काते हुए कहा कि उन्हें इस घटना का बदला लेना चाहिए, वो तो भड़का रहे थे। सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन अब इस बयान को जब सुनेंगे तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आसिम हुसैन, जिसके लिए ये लोग लड़ रहे थे, जिसके लिए जय श्री राम को बदनाम किया गया, उस आसिम हुसैन को वो लड़की छेड़ रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खबर ही कुछ और थी, दाढ़ी थी उसके, और उसको बेइंतहा मारता, वो फोटोग्राफी भी है उसकी। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके? आप सोचिए, जिस घटना को हमारे देश के सेकुलर नेताओं ने सांप्रदायिक रंग दिया, मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काया, उकसाया, जय श्री राम को बदनाम किया, उसका दूसरा पक्ष आपको जानना चाहिए। मैंने आपको बताया, दूसरा पक्ष है यूपी पुलिस, एक महिला, दोनों आरोपियों का। यूपी पुलिस का कहना है कि आसिम हुसैन पर ट्रेन में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप है, जो पिटाई हो रही है। भाई, पिटाई कानून हाथ में लेना गलत, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन जिसको पीटा जा रहा उसने महिला से छेड़खानी की थी, और पीड़ित महिला की शिकायत पर अब आसिम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर FIR हुई, आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको दिखाते हैं छेड़छाड़ के आरोप से बचने के लिए आसिम हुसैन ने कैसे इस पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। सर, मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े, और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी, कुछ लोग आगे 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 8-10 लोग आगे आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे ये चोर है, चोर मुल्ला, चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा, तो एकदम सब उन्होंने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पड़ गया हैजी, और कह रहे बुल्ले सब ऐसे ही होते हैं, और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा, तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया, और मेरे कपड़े काट दिए और मुझे लेटाल दिया। लेटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा, मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा आ गया, और जब मुरादाबाद का, और मेरे पास 2200 रुपये थे, वो भी निकाल लिए। अब ये कोई पहली बार नहीं है जय श्री राम को बदनाम किया गया हो। साल 2021 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब्दुल नाम के एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि उसे मुस्लिम होने की वजह से पीटा गया, दाढ़ी काटी गई, और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। इस आरोप के बाद भारत में ही एक बड़ा दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। हुआ ये, फिर निकला क्या, लेकिन यूपी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अब्दुल की पिटाई दो परिवारों की आपसी दुश्मनी की वजह से हुई, उसे पीटने वाले मुस्लिम ही थे। इसी तरह कुछ वक्त पहले यूपी के उन्नाव में आरोप लगाया गया कि मदरसों के छात्रों से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया, जबकि सच यह था कि मदरसों के छात्रों और स्थानीय लड़कों में क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हुआ था। गुरुग्राम में आरोप लगाया गया कि एक मुस्लिम की टोपी गिराई गई और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। CCTV से पता चला कि ट्रैफिक में टक्कर की वजह से मुस्लिम युवक की टोपी गिर गई थी। कानपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने आरोप लगाया कि उसे जय श्री राम ना बोलने की वजह से पीटा गया। सच्चाई ये थी कि आपसी विवाद में युवक की पिटाई की गई थी। मतलब जय श्री राम को बदनाम करना है कैसे भी। आंध्र प्रदेश के करीमनगर में एक मुस्लिम युवक ने आरोप लगाया कि उसकी जय श्री राम ना बोलने पर पिटाई की गई। सच कुछ और ही था, उसने बताया ही नहीं कि एक लड़की ने उस पर भी छेड़खानी का आरोप लगाया था। इन पर छेड़खानी करते हैं पहले,
फिर इनको पकड़ लिया जाए तो ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे छोड़ दो, मेरा जय श्री राम का झूठा स्क्रिप्ट बना देते हैं। भीड़ ने फिर उसे पीटा, भीड़ कानून हाथ में लेती है तो गलत, लेकिन सच पूरा होता नहीं है।